हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू की पकौड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने पहले से ही उबाल लिया था, और हम इनके मोटे मोटे पीस काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटने। सारे आलू को ऐसे ही पीस काट लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 1 प्याज चॉप करा हुआ, हरा धनिया 1 कटोरी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाले की, 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है, और आधी चम्मच अजवाइन की, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा ऑरेंज कलर, जिससे कलर पकौड़ियों में बहुत ही अच्छा आएगा। 3 से 4 चम्मच चावलों का आटा, 1/2 कटोरी बेसन डाला है। और इनको सभी को अच्छे से मिलाएंगे पानी डालकर थोड़ा सा। अच्छे से मिला लेंगे इनको, जो ज़्यादा मोटे पीस है उनको तोड़ लेंगे बीच में से। अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद इनकी पकौड़ी बनाएंगे। तेल मैंने पहले से ही गर्म होना रख दिया था। अब हम अपनी सारी पकौड़ियों का इसमें डाल देंगे, और थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, 2 मिनट बाद दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, और जो बची रही है उसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पकौड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।